नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? साथियों, आपके कई सवालों का जवाब आज मैं देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि काफ़ी सवालात आज भी हैं और मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूं, इस वजह से रिप्लाई आपको नहीं दे पा रहा हूं। रोजाना की तरफ फिर से आपसे माफ़ी। चलिए, मैं आपके जल्दी जल्दी आपके रिप्लाई देना कोशिश करता हूं। एक मिस्टर ताबिश खान है, इन्होंने मुझसे सवाल किया कि जी रामदास का इन्हें ऑफर लेटर आया है पर टर्म कंडीशन उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, यह कंपनी कैसी है? तो तापिस जी, मैं आपको बता दूं, कंपनी अच्छी है। आप अगर ओवर टाइम इसमें है या नहीं, ये आपका क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं, अगर आप इसके अंदर एज ए चार्ज हैंड या सुपरवाइजर या फोरमैन लेवल पे जा रहे हैं तो आपको फिक्स ओवर टाइम ये कंपनी आपको देगी। खेमजी रामदास, आप जरा गौर से सुनिए, क्योंकि यहाँ ड्यूटी आवर आपके ऑफर लेटर में ये कंपनी नहीं देगी, क्योंकि एक रीज़न होता है इनको ना देने का कि ये आपको फिक्स ओवर टाइम आपके सैलरी में ऐड करके देंगे, क्योंकि सुपरवाइजर का और फोरमैन या चार्जिंग इनका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है वर्क का, ये कितनी देर भी साइट पे रहेगा, इसलिए आपको फिक्स ओवर टाइम कर देते हैं जो आपके सैलरी में ऐड हो जाता है। फूड एकोमोडेशन आपको ये फ्री देंगे केमजी रामदास वाले, आपको खाने का टेंशन बिल्कुल नहीं है, बट वेजिटेबल खाना आपको मिलेगा, क्योंकि वेजिटेबल है और बहुत अच्छी कंपनी है और ओमान बेस्ड कंपनी है तो ये इंडियन कच्छ के रहने वाले लोग, बट ओमान में वेल सेटल है, इज़ द बिग कंपनी, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है ताबिश जी। इसी तरह से एक और साथी है मेरे, उनका रिप्लाई है, उनका सवाल है कि अल्फनार में मुझे ट्रांसफ़र करना है जुबेल से रियाद के लिए। तो मेरे दोस्त, आपको थोड़ा सा मोहन पटेल जी, आपको पेशेंस रखना होगा। अगर कंपनी का साइट जहाँ पे चल रहा हो तो वहाँ आप काम करें, अगर कंपनी को आपकी अप्लीकेशन करें हेड ऑफिस में, जो इनकी रियाद में हेड ऑफिस है, आप उनको मेल करें, अगर उनके पास वहाँ जगह होगी तो ज़रूरी आपको उधर मदद करेंगे, नहीं तो जुबेल में है, जुबेल भी अच्छी जगह है, दमाम के काफ़ी नज़दीक है और जुबेल एक बीच है, समुद्र का एरिया है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, इंडस्ट्रियल एरिया है, आप वहाँ काम करें, मुझे नहीं लगता है कोई परेशानी होगी, क्योंकि आप एक अच्छी कंपनी में हैं। और भी साथियों का एक है अल मजाल अल हरबी, तो मजाल अल हरबी भी एक अच्छी कंपनी है, इनकी भी पूरे किंगडम में प्रोजेक्ट चल रहा है, इनके सवालात मुझसे इकराम खान ने मुझसे सवाल किया है। इकराम जी, अल मजाल हरबी कंपनी एक अच्छी कंपनी है, ये भी सऊदी बेस है, रियाद में है, काफ़ी जगह इनका प्रोजेक्ट है, तो आप बेफिक्र होकर इस कंपनियों में जाएं। एक साथी ने मुझसे बड़ा अजीब सा सवाल किया है हैप्को कंपनी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, हैप्को नट बोल्ट्स की कंपनी है सऊदी का, इज़ द नॉट अ बिग कंपनी, इज़ द कई जगह इनके शॉप है, जो नट बोल्ट जो डील करती है वो कंपनी है, तो इज़ द नॉट अ बिग कंपनी, इज़ द स्मॉल शॉप, इज़ द नट बोल्ट का सप्लाई इन द सऊदी अरबिया, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप जा सकते हैं, बट नॉट अ लाइक कंपनी हैप्को इन द सऊदी अरबिया। तो ये तीन चार सवालात और भी हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में चाहूँगा कि उसका आपको रिप्लाई करूँ, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपके सवालों का मैं ज़रूर वीडियो के थ्रू नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ क्योंकि मसरूफियत रहती है, मगर मैं आपको आपके जैसे भी मुझे मैसेज मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रिप्लाई करूँ और आपको रिप्लाई देता भी हूँ। आपने देखा भी होगा, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आपके रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ, जो और भी सवालात मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो की लेंथ मैं 5 मिनट से ऊपर की नहीं रखना चाहता हूँ ताकि आपको सुन सके। तो खिमजी का, हैप्को का और अल्फनार का, ये तीन आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था, इंशाल्लाह आपको ये तीनों का रिप्लाई मिल चुका होगा। अगर आपके जहन में और भी कोई सवालात हो तो आप ज़रूर कहिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालात का रिप्लाई करूँ और जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, कुछ और सवालात हैं, इंशाल्लाह मैं उस वीडियो में भी उसको क्लियर करता हूँ।
जब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार।